मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फेमस राइटर ट्विंकल खन्ना इंडस्ट्री में अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आमतौर पर ट्विंकल देश में चल रहे मुद्दों पर अपनी राय जाहिर जरूर करती हैं और ऐसी ही एक राय उन्होंने थिएटर में राष्ट्रगान चलाने पर और साथ ही साथ नोटबंदी पर भी दी है। अपने ब्लॉग में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तंज कसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म शुरू होने से पहले थिएटर में राष्ट्रगान चलाया जाए और उस दौरान खड़ा होना ज़रूरी है। ट्विंकल खन्ना ने लिखा, मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझ पर उस वक्त भी क्यों जबरन देशभक्ति थोपने की कोशिश की जा रही है जब मैंने बेफिक्रे जैसी फिल्म की टिकट खरीदी है और मैं रणवीर सिंह को टाइट रेड अंडरवेयर में देखने जा रही हूँ। सुपरस्टार अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपने इस ब्लॉग में पीएम के नोटबंदी के फैसले पर भी चुटकी ली है। उन्होंने अपनी एक दोस्त को अजीबोगरीब सलाह देते हुए लिखा, नोटबंदी नाम की कड़वी गोली को खाइए, खरीदारी का सबूत छिपाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी प्रक्रिया को भूल जाइए और अपने कार्ड से एक वाइब्रेटर खरीद लीजिए। आपको बता दें कि हाल ही में ट्विंकल खन्ना अपने पति अक्षय कुमार के साथ कॉफी विद करण में गई थी। वहाँ ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि मैंने अक्षय को कह दिया था कि जब तक वो सेंसिबल मूवीज़ करना नहीं शुरू करते जब तक मैं दूसरा बच्चा पैदा नहीं करूँगी। इसके बाद अक्षय कहते नज़र आते हैं कि वो बता नहीं सकते कि उन पर क्या बीतती है। एक्टर से इंटीरियर डिज़ाइनर और फिर राइटर बनी ट्विंकल खन्ना की नई किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद को इंडियन बेस्ट सेलर की लिस्ट में रखा गया है। ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में ट्वीट कर बताया था कि कहानियों की मेरी नई किताब आपको ज़रूर पसंद आएगी और खूब हंसाएगी। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद से पहले उनकी किताब मिसेस फनी बोन्स पिछले साल खूब बिकी थी। तो ये थी खबर ट्विंकल खन्ना से जुड़ी हुई। इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।